हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जो सीरीज मैंने शुरुआत की थी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स की, उसी में आज हम दूसरा उसका हिस्सा देखने जा रहे हैं। पहले हिस्से में हम लोगों ने देखा था टू लेट एंड रेंट, यानी किराए देना और किराए पर लेना। अब आज जो मैंने लिया है वो ग्रुप ए सेल परचेज, यानी आपको कुछ बिक्री करना है या कुछ खरीदना है। तो आज हम उस पर देखेंगे कि कैसे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बनाया जाए। बड़ा ही आसान है, किसी भी चीज़ को बेचना हो, जनरली हमें समझना है कि किसी भी चीज़ को बेचने के लिए हमें क्या चाहिए। पर्सनल है, ऑफकोर्स आप यूज़ कर रहे थे, यू वर यूजिंग दैट, नाउ यू फील दैट यू हैव टू चेंज इट, आपको इसको बदलना है, यू वॉन्ट टू बाई सम अदर वन और यू वॉन्ट टू सेल फॉर एनी अदर पर्पजेज, बट यू वॉन्ट टू सेल। आप इंडिविजुअल यूज़ कर रहे थे, इंडिविजुअली आपको बेचना है, तो जैसे अब वही बात है कि अगर बेचना है तो अगर हम माउथ पब्लिसिटी से बेचना चाहें, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सिंपल सा एक छोटा सा क्लासिफाइड एड दे देंगे और जिसको भी चाहिए वो उससे कॉन्टेक्ट कर सकता है। प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करें, एग्ज़ाम में कभी भी आ सकता है। सो लेट अस सी व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है वो देखते हैं हम लोग। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स के जो ग्रुप है उसी में जो सेकंड लिया है मैंने, टू लेट एंड रेंट का हम कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। एंड इफ यू आर नॉट वॉच्ड, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एंड यू जस्ट सी व्हाट इज दैट। सेल एंड परचेज, सेल यानी बिक्री एंड परचेज यानी खरीदना, आपको पता ही है। तो प्रश्न कैसा आ सकता है, एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न मैंने लिखा है जो CBSE RBSE पैटर्न में 12th क्लास में जनरली आता है। वैसे आने का 8th 9th में भी CBSE पैटर्न में आ सकता है, 10th में भी आ सकता है, दे हैव ओपन सिलेबस, एनीथिंग दे कैन आस्क। RBSE सिलेबस में थोड़ा सा एक दायरा फिक्स होता है, लेकिन अभी इस जो सेशन है, जो कमिंग सेशन है, ऐसा सुना गया NCERT सिलेबस उसमें भी लागू होने वाला है, तो फिर कुछ भी आ सकता है। इसीलिए दिस इज़ सो यूजफुल, इवन दोज आर नॉट इन एकेडमिक्स, जो अभी पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल है। बिकॉज घर की कोई भी चीज़ को बेचना हो जो आपको लगता है कि अभी ये यूजलेस हो गया है, कुछ नया खरीदना है, चलो जो भी मिल जाए इसके, तो इसलिए वो ऐसा ऐड देना आपको आना ही चाहिए। सो लेट अस सी मैंने क्या लिखा है। सपोज यू हैव एन ओल्ड मारुति 800, एक मान लो कि आपके पास में पुरानी मारुति 800 कार है विच यू वॉन्ट टू सेल, जो आप बेचना चाहते हो। ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, एक मसौदा तैयार करें वर्गीकृत विज्ञापन का। और वो मसौदा का मतलब ये है कि आपको कैसा देना है। पेपर वाले को तो जो आप लिख के दोगे वो प्रिंट कर देंगे, तो सार आपको ही बनाना है, यू हैव टू ड्राफ्ट। तो कैसे ड्राफ्ट करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे फोर सेल बिक्री हेतु, इसकी हिंदी होती है बिक्री हेतु। अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे सेल ये प्रयोग किया, दिस इज वर्ब फॉर्म एंड दिस इज नाउन फॉर्म, ये ध्यान रखना आपको। तो इसका मतलब है बिक्री हेतु और ये है बेचना, तो फर्क है। दुकानों पे जाते हैं उसमें लिखा रहता है फोर सेल, ये लिखा रहता है बिक्री हेतु। अब ये शुरुआत की, एन ओल्ड मारुति 800 इज अवेलेबल, उपलब्ध है फोर सेल, बस यही लाइन है। अब अगर मान लो कि दूसरी कोई चीज़ बेचनी है, सपोज मोटरसाइकिल बेचना आपको, आप क्या करोगे, हाँ मोटरसाइकिल कौन से कंपनी की है वो लिख दोगे, ठीक है। अब 800 है तो 800 सीसी की पहले, इसलिए अब मोटरसाइकिल में वेरिएंट अलग अलग होते हैं, कोई 150 सीसी की होती है, कोई 200 सीसी की होती है, तो वो मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ तो इसी में मेंशन हो गया आपका, मारुति 800 का मतलब यही था और सभी जानते ही हैं उसके बारे में। कलर आपका कौन सा था वो मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज कलर का एक होता ही है। मॉडल कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से मॉडल का। जब अगर आप मोटरसाइकिल भी बेच रहे हो, सपोज यू वांट टू सेल योर मोटरसाइकिल, कौन से मॉडल का है, कितना चला है वो भी एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा मॉडल कौन से का है। अब आपको लिखना ही लिखना है, अगर आपको बेचना है तो लिखना ही पड़ेगा। आप ये तो लिख नहीं सकते हो कि इंजन इन बैड कंडीशन, कौन खरीदने वाला है उसको, तो इसीलिए आपको लिखना है इंजन इन गुड कंडीशन, ठीक है, वो लिख दिया आपने, मतलब चालू हालत में है गाड़ी। रन ओनली 90,000 किलोमीटर्स, घर की गाड़ी है इतनी चलती है, ज़्यादा चलती नहीं है, तो इसलिए उतना ही है। अब कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन घर की गाड़ियाँ, टायर्स इन गुड कंडीशंस, जो भी है आपको लिखना ही है कि हाँ टायर की हालत अच्छी है। एसी फिटेड, आपकी मारुति एसी फिटेड थी तो आपने दे दिया। म्यूजिक फिटेड है वो म्यूजिक भी लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये तो फिर आप पे डिपेंड करता है, हाउ मच यू वांट टू ऐड द क्वालिटीज, तो आप लिख सकते हो म्यूजिक
म्यूजिक फिटेड, कौन सा कंपनी का म्यूजिक है, दैट आल्सो यू कैन राइट। सीट कवर्स न्यू, आपने नया सीट कवर डलवाया, वो मेन चीज यहाँ आ गई। आरसी इंश्योरेंस पेपर्स, ये जो मेन है गाड़ी के लिए, कोई भी आरसी रजिस्ट्रेशन जो होता है उसका और इंश्योरेंस पेपर, वो कंप्लीट है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। एक चीज़ और लिखते हैं, जैसे किसी डॉक्टर की गाड़ी है तो डॉक्टर लिखता है डॉक्टर ड्रिवन, इससे लिखने से क्या होता है, जो खरीदार है वो समझता है कि अच्छा डॉक्टर ने यूज़ किया है, तो रफ यूज़ नहीं हुआ है, ऑफिस गया है अपने या हॉस्पिटल गया है और वहाँ से घर आया है और कहीं नहीं है। टीचर्स ड्रिवन ऐसा भी लिखा रहता है, टीचर ड्रिवन, कोई टीचर है वो अपने स्कूल जाता आता रहा है, तो उस गाड़ी की कंडीशन अच्छी रहती है, इसलिए लोग ऐसी गाड़ियों को खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए एक पैटर्न बन गया है लिखने का कि डॉक्टर ड्रिवन, अगर आप डॉक्टर हो तभी लिखोगे, या आप टीचर हो तो टीचर ड्रिवन। कभी ये नहीं लिखते हैं कि बिजनेस मैन ड्रिवन, फिर कोई खरीदता नहीं है उसको। अप्रोक्स कॉस्ट आपको देनी है, आपने 70,000 दे दी, जो आज का जैसा रेटिंग चल रही है, जो आज के टाइम में मिलता है 2001 मॉडल का, वही मैंने लिखा है। आपकी गाड़ी की हालत अच्छी है तो आप ज़्यादा दे सकते हो, और बाकी तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर रहे हैं तो आप कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होना वो सारी चीज़ें चाहिए, इट हैज़ टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ नीडेड टू स्कोर गुड मार्क्स, वो आपको तो लिखना ही लिखना है। नाउ अगेन सेम थिंग कम्स, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको हम एक प्रकार से प्रपोज कर रहे हैं, सो इंटरेस्टेड पर्सन्स में कॉन्टैक्ट, वो संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम लिख सकते हो, एड्रेस दे सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया है एसके शर्मा J12 शिवाजी नगर जालौर, क्योंकि मकान का एड्रेस होगा तो व्यक्ति आके गाड़ी की हालत भी देखेगा कि कैसी हालत में प्रैक्टिकली, इसलिए यहाँ पे देना जरूरी है। एंड फाइनली दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू गिव कॉन्टैक्ट नंबर, और कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड, इट्स ऑल वेरी ईजी and you can sell anything. In examination I tell you what are the thing come, sometimes we have computer at our home, laptop we have, cameras we have, costly music system we have, everything we want to sell we can go through this method, classified advertisement. So it is so useful as far as academic is concerned, it is so important in general life, it's so important. So I hope you might have understood. I made one, you can try at home making other. So for the day I think it's all over. Thank you very much. Keep watching us, keep liking us. Thank you once again.